किचन्स व्लॉग। मेरा रोज का एक्चुअली वीडियोस रहता है, लेकिन अभी थोड़ा कम हो गया वीडियोस, क्योंकि हम लोग दोनों को भी, मेरे को भी और हस्बैंड को भी, कोल्ड हो गया था, बहुत ही ज़्यादा कोल्ड हो गया था, तो मेरा तो साउंड ही चला गया था। अभी ठीक होते आ रही हूँ मैं, तो अभी रोज़ रहेगा वीडियो, रेसिपीज़ रहेंगे, व्लॉग रहेंगे। तो आज भी मैं एक्चुअली मुझे नहीं शूट करने को हुआ, तो मम्मी ने वहाँ से वीडियो शूट करके भेजा है आप लोग के लिए, क्योंकि वीडियोस तो जाएगा तभी आप लोग देख पाओगे इसकी वजह से। तो आज का वीडियो है एक सांभर पोड़ी, जो हम लोग बाहर से पाउडर जो लेते हैं सांभर पोड़ी, तो वो घर पे भी अपन बना सकते हैं और उससे ज़्यादा अच्छा टेस्ट भी हो जाता है सांभर को, तो आप लोग भी ट्राई कीजिए। बहुत ही इजी है, ज़्यादा कुछ उसमें इंग्रीडियंट्स है नहीं, हम लोग बना सकते घर में उतना ही सब है। तो आप लोग देखिए वीडियो एंड तक देखिए, और आप लोग भी बनाइए, और अगर नारियल पीस के सब जिसको नहीं बनाना होता है तो वो ये सिर्फ पाउडर डाल के, भाजी डाल के, दाल डाल के बना सकते हैं, और बाकी का जो इंग्रेडिएंट्स रहता है जैसे कि इमली वो सब। सांभर का मैं डालूँगी आपको ये सांभर पाउडर यूज़ करके, उसका मैं वीडियो आगे डालूँगी, तो आप भी वैसा बना सकते हैं। तो अपन वीडियो देखते हैं कि कैसा मम्मी ने बनाया सांभर पाउडर, और आप लोग कमेंट्स कीजिए कि कैसा बना था करके। तो चलो वीडियो देखते हैं। हम सांभर पाउडर बनाने जा रहे हैं, उसके लिए लगने वाला सामग्री 50 ग्राम धनिया, 100 ग्राम मिर्ची, और दो बड़े बड़े चम्मच चना का दाल, एक आधा वाटी उड़द का दाल, और ये अखा वाला ये हींग है, इसको हमको तेल में फ्राई करके लेना है, और एक बड़ा चम्मच मेथी, आधा चम्मच हल्दी, इसमें थोड़ा मसाला है जीरा, काली मिरी, लौंग और दो इलायची, और ये मैं सूखा खोपरा है, ये ज़्यादा गीला नहीं है, गीला नारियल ही है, फ्रिज में रखे वो सूखा हो गया है, तो वो पाउडर करके मैंने लिया है, और एक बड़ा प्याज है, इसको सब मैं अलग अलग भून के लूँगी, फिर एक साथ में हमको पाउडर करना है, तो अलग अलग भूनना पड़ेगा क्योंकि एक साथ में भून सकते, तो पहले दाल को भूनना है, फिर धनिया को, बाद में मिर्ची, और कांदा और नारियल को, कांदा को हमको ना तेल में भूनना है, अच्छा ब्राउन करना है इसको, ताकि स्टोर करके रखेगा तो ख़राब नहीं होगा, तो इसके लिए उसको तेल में अच्छे से ब्राउन करके फ्राई करना है हमको। कढ़ाई गर्म हो गया है, हमको पहले चने की दाल भून के लेना है। मीडियम आंच में हमको भूनना है इसको, ज़्यादा फास्ट नहीं रखना है। दाल भून गया है, चने की दाल, अभी उड़द का दाल हमको फ्राई करना है, इसको हम निकाल के लेंगे, का दाल फ्राई करिए। उड़द की दाल भी अभी फ्राई हो गया है, इसको भी मैं निकाल रही है, अभी धनिया को हम फ्राई करेंगे, सबको ब्राउन अच्छे से भून के लेना है।
धनिया भी अभी अच्छे से फ्राई हो गया है, इसको भी मैं निकाल रही है। अभी मिर्च है, इसमें दो तरह मिर्ची है, एक बेड़गी मिर्ची है और कश्मीरी मिर्ची है, दोनों फ्राई करके देंगे। मिर्ची भी फ्राई हो गया है, इसको भी निकाल रही है। अभी मेथी है, एक बड़ा चम्मच लिए मैं मेथी, और उसमें थोड़ा सा काली मिरी, जीरा, लौंग, दो लौंग लिए और दो इलायची है हरा, और थोड़ा काली मिरी, जीरा और मेथी है, इसको मैं भून के लेती हूँ। ये भी हो गया है भून के, इसको भी मैं निकालती है। अभी हींग को हमको भूनना है, मतलब तेल में फ्राई करना है, क्योंकि अक्खा हींग है ना, तो उसको तेल में अच्छी तरह से फ्राई करके लेना है। हींग भी अच्छे से हमारा तेल में फूल गया है, इसको भी मैं निकालती हूँ। इसी तेल में हमको नारियल भी थोड़ा भून के लेना है, अच्छी तरह भूनना है इसको, इसका जो कच्चापन पूरा निकल जाना चाहिए। अच्छी तरह भूनेगा तो ही हम ये मसाला जब स्टोर करके रखेंगे ना तो ज़्यादा दिन टिकेगा। अच्छे से मैंने नारियल को अच्छी तरह भून लिया है। इस तरह भूनने से क्या होता है, नारियल ख़राब नहीं होता, अपना जो मसाला हम करके रखते हैं ना वो बहुत दिन तक टिकता है। इसी तरह प्याज को भी हमको भूनना है अच्छी तरह। अब इसको निकाल रही है मैं, ये हो गया है। हल्दी मैंने इसमें ही डाल दिया है, क्योंकि ये गर्म है ना, तो इसमें ही हल्दी अच्छे से भून जाएगा। थोड़ा तेल डालती है, कांदा हमको अच्छी तरह भून के लेना है। अच्छे से ब्राउन करके लेना है। ये प्याज भी अच्छे से ब्राउन हो गया है, इसको भी निकालती हूँ मैं, और सब मसाला भी साथ में मिला के पीसेगी। इसको पानी पीने का हाथ लगना नहीं चाहिए, सूखा ही पीसने का इसको। सूखा मिक्सर के बर्तन में ही पीसना है इसको। ये मसाला सब पूरा भून के लिया है मैंने, अब ये मसाले को पूरा साथ में मिला के हमको पाउडर करना है। थोड़ा थोड़ा करके अच्छे से मिला के हमको पीसना है। पूरा मसाला जितना भी फ्राई किया था वो सब मिक्स करके अच्छा बारीक पीस के लिया है।
मसाला अभी गर्म है थोड़ा सा, इसको अच्छे तरह से ठंडा करके फिर एक अच्छे से एयर पैक डब्बे में डाल के फ्रिज में रख देना, बहुत दिन चलता है ये। इसको ज़्यादा नहीं है, 2 चम्मच डालेंगे तो भी बहुत है, दूसरा कुछ डालने का ज़रूरत नहीं है हमको। ये गर्म है थोड़ा, इसको ठंडा करेंगे हम ऐसा। 2 चम्मच दाल में डाल देना, दाल कुकर में 2 सीटी मारने के टाइम में 2 चम्मच ये मसाला और थोड़ा हल्दी डाल के उसको 1-2 सीटी मार के लेना है हमको। उसके बाद फिर जो सब्जी डालना है आप लोग को वो डाल के थोड़ा इमली टमाटर सब डाल के फिर 1-2 सीटी मार के उसको बघार देना है। फिर राई, कड़ी पत्ता, थोड़ा हींग, सूखा मिर्ची अच्छा से तेल में बघार के डाल देना है सांभर में, दूसरा कुछ डालने का ज़रूरत नहीं है। इतना अच्छा मसाला ये, बहुत दिन तक चलता भी है और बहुत बार इसका बना सकते हैं हम लोग। ये रेडी हो गया है मसाला, पूरा पीस के मैंने मिक्स करके रखा है। अब इसको थोड़ा ठंडा करेगी, उसके बाद में डब्बा में डाल के फ्रिज में रख देगी। ये मसाला डाल के मैं एक बार आपको सांभर का वीडियो में बताती है नेक्स्ट टाइम, आप लोग देखो। तो आप लोग को सबको अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ शेयर करो, सब्सक्राइब करो जिसने नहीं सब्सक्राइब किया है, और थैंक यू वेरी मच कि मेरे को 100 सब्सक्राइबर हुए, उसके लिए थैंक यू वेरी मच कि आप लोग का सपोर्ट के बिना तो ये हो नहीं सकता है। और भी मुझे आगे जाना है तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, मैक्सिमम शेयर कीजिए, अगर आपको वीडियोस अच्छा लगा हो तो लाइक्स कीजिए, कमेंट्स कीजिए। तो हम लोग अभी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, टिल देन बाय बाय।